Hello and welcome to Bright Avishkar. In this lecture, I shall bring to you newly added Ramsar sites in India, जो अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी आज़ादी के 75वें जो इंडिपेंडेंस डे था उस पर यहाँ पर अभी 75 रामसर साइट्स हुई हैं. अगर इस साल के शुरू में बात करें तो हमारे पास शुरू में 48 साइट्स थी. तो इस साल में सबसे ज़्यादा किसी ईयर में एक साल में रामसर जो वेटलैंड्स है अभी यहाँ पे इनको यानी रामसर साइट्स डिक्लेयर करा गया है. अब कौन कौन सी यहाँ पे रामसर साइट्स यहाँ पे डिक्लेयर हुई है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी नेशनल पार्क या फिर कोई दूसरी बात करें कोई और दूसरा एरिया हो सकता है. अगर यहाँ पे हम बात करें जैसे वेबनूर वेटलैंड कम्प्लेक्स की बात करें तो इस प्रकार के कुछ एरियाज़ हैं जो अभी अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं. ये काफ़ी अभी रिसेंट एग्ज़ाम जो अब जितने भी आ रहे हैं जितने भी जिस स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं या फिर अगर आप यूपीएससी या एसएससी किसी भी लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपके करंट अफेयर के अंदर डेफिनेटली यहाँ से एक या दो या तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे. और आप सभी को पता है 1 and 2 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कितनी होती है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे चलते हैं. लेकिन आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काफ़ी समय अभी अप्रॉक्सीमेटली इट्स बीन मोर देन हाफ ईयर 1.5 ईयर. आप सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम मटेरियल कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं और उस कंटेंट का अगर रिजल्ट कहीं से मिलना है तो वो आपसे ही मिल सकता है. अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगेगी, अभी नहीं कह रहा हूँ, लास्ट में जब आपको ये लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे अगर आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल होगी प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स, लाइक करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें. रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे. अगर बात करें यहाँ पे जो रामसर कन्वेंशन थी जो वेटलैंड्स पे हुई थी, अब ये रामसर एक नाम है जो यहाँ पे आपको ईरान की सिटी का नाम है यानी सिटी ऑफ ईरान जिसका नाम रामसर है उसके नाम पे इस कन्वेंशन का नाम रखा गया है. ये कन्वेंशन कब हुई थी ये आपको पूछा जा सकता है. तो ये जो कन्वेंशन हुई थी ये 1971 में हुई थी और जो इसका एग्रीमेंट हुआ था यानी जो ये कन्वेंशन हुई और कन्वेंशन में जो एग्रीमेंट साइन हुए वो कब से इफेक्टिव हुए, वो 1975 से क्या हुए इफेक्टिव हुए. ये बात याद रखना कि 1971 में जो रामसर साइट्स थी उसका यहाँ पे क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ. लेकिन वो जो एग्रीमेंट इफेक्ट में आया यानी फोर्स में आया वो एग्रीमेंट कब फोर्स में आया था, वो एग्रीमेंट आया था 1975 में. तो ये बात आपको याद रखनी है. इसीलिए इसी रामसर कन्वेंशन इंटरनेशनल जो ट्रीटी हुई थी इन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स. अब वेटलैंड्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा दलदल टाइप का एक काफ़ी ज़्यादा झील टाइप की या काफ़ी ज़्यादा एरिया हो जाता है उसको आप वेटलैंड्स कहते हैं. जो सिटी ऑफ ईरान के अंदर साइन हुआ था जिसके ऊपर एक कन्वेंशन साइन हुई थी और ये एग्रीमेंट 1975 के बाद इफेक्ट हुआ था, इसी को हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं. रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है. अब बात करें इंडिया ने कब यहाँ पे रामसर साइट्स को रेटिफाइड करा, इट मींस इंडिया ने कब यहाँ पे रामसर साइट को ज्वाइन करा, तो ये बात आप याद रखें कि 1982 में इंडिया ने यहाँ पे रामसर साइट कन्वेंशन को क्या करा था, रेटिफाइड करा था यानी इट मींस उन्होंने क्या करा इसको ज्वाइंट करा था. उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा और आपको ये बताना है कि इस साल का वेटलैंड इंटरनेशनल वेटलैंड डे जो 2 February को हर साल मनाया जाता है उसका यहाँ पे थीम क्या रखा गया था. और आपको बता दूँ कि जो February 2 है वो क्यों मनाया जाता है, जब ये रामसर साइट कन्वेंशन साइन हुई थी 1971 के अंदर उस टाइम जो डेट थी 2 February था यानी 2 February 1971 में ये रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी तभी इसका नाम यहाँ पे तभी हम February 2 को यानी February 2 को हम यहाँ पे इंटरनेशनल वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं. उसके बाद यहाँ पे अब सबसे पहले आपको ये टर्म समझनी है. अब रामसर साइट का मतलब क्या है, अब यहाँ पे ऐसी वेटलैंड साइट और मैंने अभी बताया आपको वेटलैंड क्या होता है जो रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है. रामसर साइट का मतलब है ऐसी वेटलैंड साइट, ऐसे यहाँ पे पानी और मिट्टी यानी दलदल यानी कीचड़ टाइप का यहाँ पे आपको जहाँ पे पानी और यहाँ पे आपको मिट्टी भी आपको देखने को मिलेगी, इट मीन्स दलदल टाइप का आपको देखने को मिलेगा जो रामसर कन्वेंशन के अंदर क्या है यहाँ पे लिस्टेड है. और उसका एम क्या होता है, एम टू कंजर्व इट, उस वेटलैंड को कंजर्व करने का उसका एम होता है. वहाँ पे एक प्रमोट सस्टेनेबल यूज़, उसका किस तरीके से उसको सस्टेनेबल यूज़ में लाया जाए जो ना तो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करे और ना ही यहाँ पे किसी इंसान को हार्मफुल इम्पैक्ट करे. उसके बाद इसके नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से हार्नेस करा जाए, किस तरीके से यूज़ में लाया जाए उसे हम रामसर साइट कहते हैं. और ये रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के अंदर लिस्टेड होती है तभी जाके ये रामसर साइट्स कन्वेंशन बनता है. अब बात करें यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया और ये पूछा भी जा सकता है कि जो रामसर साइट्स है
जो यहाँ पे किसके रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करी जाती हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है यहाँ पे। ये रिकॉर्ड ये आपको पूछना रामसर साइट्स को किस रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप इसको स्टार मार्क कर दें यहाँ अच्छे से। ये इसको कहते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहते हैं। अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का मतलब क्या है? ये एक ऐसा रजिस्टर है जो वेटलैंड साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। इट मीन्स इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स, जहाँ पे लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स जो होती हैं जिनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी गई होती है, उनको क्या होती है एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई होती है, वो यहाँ पे क्या करती है अपनी इकोलॉजिकल करेक्टर को जब वो चेंज करती हैं या वो जो चेंज कर रही हैं, तो ये डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण हो रही है, पोल्यूशन के कारण हो रही है, या ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण हो रही है, यानी इस पार्ट ऑफ रामसर साइट्स के अंदर जो भी ये सभी इकोलॉजिकल चेंजिंग आ रही हैं उस वेटलैंड के अंदर, तो वो जो चीज़ रिकॉर्ड करता है वो कौन करता है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड करता है। ये टाइप का रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट है, ये आपको याद रखना है। यानी रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट किसको कहा जाता है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को कहा जाता है। अब बात करें ये क्या करता है, मेजर इकोलॉजिकल चेंजेस को रिकॉर्ड करता है, ताकि जो भी वेटलैंड साइट्स के ऊपर पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफेक्ट पड़ते हैं वो यहाँ पे क्या करता है, इसको रिकॉर्ड करता है। बात करें ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करा जाता है, ये रामसर साइट की जो लिस्ट बनती है उसके तहत यहाँ पे इसको इसके पार्ट को मेंटेन करा जाता है। बात करें अगर एट प्रेजेंट हाल ही में बात करें हमारे इंडिया के अंदर, अकॉर्डिंग टू मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे इंडिया के अंदर दो ही ऐसी वेटलैंड्स हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर आती हैं। एक तो है किलोदेव नेशनल पार्क जो राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद सेकेंड वाली जो आपको देखने को मिलेगी लोकतक लेक जो आपको मणिपुर के अंदर देखने को मिलेगी। ये अभी क्या है, दो ऐसी वेटलैंड्स हैं इंडिया की जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर आती हैं। एक तो है किलोदेव नेशनल पार्क और लोकतक लेक मणिपुर के अंदर जो है। अगर अभी वर्ल्ड वाइड की बात करें तो करंटली हमारे पास पूरी दुनिया में, यानी कब तक, अब अगर आप टिल अगस्त 2022 तक बात करें तो लगभग मोर देन 2400 रामसर साइट्स पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलती हैं। बात करें यहाँ पे इसके, जैसे आप इंडिया एक पार्टी है किसकी, रामसर साइट कन्वेंशन की, इस प्रकार से यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ आपको देखने को मिलेगी 171 रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये 2400 रामसर साइट्स आती हैं जिनको द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिली हुई है। बात करें पूरे वर्ल्ड की बात करें, और लगभग ये पूरी वर्ल्ड का 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे आता है। आपने अगर मैक्सिको कंट्री देखी है, अगर नहीं भी देखी तो अभी आप गूगल कर दें, वहाँ पे वर्ल्ड मैप के ऊपर आप मैक्सिको कंट्री को देख लें, यानी उससे भी ज़्यादा बड़ी अगर इन सभी वेटलैंड्स को इकट्ठा करें तो वो इसका एरिया बनता है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट वर्ल्ड, अगर बात करें वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात करते हैं। बात करें वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट जो डिक्लेयर करी गई थी या आइडेंटिफाइड करी गई थी वो कब करी गई थी, आपको ये याद रखना है 1974 के अंदर ये आइडेंटिफाइड करी गई थी, जिसका नाम क्या था, कोबर्ग पेंसुला इन ऑस्ट्रेलिया। कोबर्ग पेंसुला इन ऑस्ट्रेलिया, ज़्यादातर आपको ये वेटलैंड्स जितनी भी हैं या रामसर साइट्स आपको जितनी भी हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे वाटर का कन्फ्लुएंस ज़मीन से होता है। यहाँ पे आपको जितना भी पेंसुलर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आपको वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेगी, चिल्का लेक की बात कर ले आप, उसके बाद यहाँ पे बात करें यहाँ पे जो दूसरी जितनी भी लेक्स है, अगर आप यहाँ पे वलूर लेक की बात करेंगे, वलूनी डल लेक की बात करेंगे, जिस प्रकार के काफ़ी आपको दूसरी भी मिलने वाली हैं, इन सभी की हम यहाँ पे बात करेंगे, काबरतल लेक की बात करेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साख्या सागर एक आर्टिफिशियल यहाँ पे लेक टाइप मिलेगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री के अंदर रामसर साइट्स है वो है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड यूके के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा 175 साइट्स हैं पूरी दुनिया में, तो ये आपको याद रखना। एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूँ, मैंने आपको कहा किलोदेव नेशनल पार्क और लोकतक लेक जो है, जो दो यहाँ पे टू वेटलैंड्स ऑफ इंडिया है जिनको यहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिली है। इससे पहले यहाँ पे चिल्का लेक को भी ये यहाँ पे क्या था, दर्जा दिया गया था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर, लेकिन इसको ड्यू टू इकोलॉजिकल चेंज इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, और एट प्रेजेंटली हमारे पास यही दो है। नाउ इट्स टाइम टू सी अबाउट इंडियन कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे रामसर साइट्स की बात करते हैं। टिल सितंबर 2022 की बात करें, अगर अभी तक हमारे पास इंडिया के अंदर वेटलैंड्स हैं तो वेटलैंड्स कितनी है, 75 वेटलैंड्स वी हैव टिल नाउ। बात करें इंडिया यहाँ पे एक पार्टी है रामसर कन्वेंशन की, और इंडिया ने कब साइन करा था, 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन के अंदर साइन करा था।
उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि सुंदरबन यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ये भी एक रामसर साइट है। तो सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया कौन सी है, ये आपको पूछा जा सकता है। जो सुंदरबन है जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, यानी सुंदरबन यहाँ पे जो है ये लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो फर्स्ट रिकॉग्नाइज रामसर साइट्स ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगी, वह है चिल्का लेक जो उड़ीसा के अंदर है। और उसके बाद इसी के साथ उसी दिन यहाँ पे किलोदियो नेशनल पार्क को भी ये रामसर साइट्स का टैग मिला था, यानी रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। इट मीन्स पहली बार यहाँ पे इंडिया के अंदर दो जगहों को रामसर साइट कन्वेंशन के अंदर रखा गया था, एक तो चिल्का लेक जो उड़ीसा के अंदर है और दूसरा यहाँ पे किलोदियो नेशनल पार्क, ये राजस्थान के अंदर आती है। उसके बाद स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया की बात करें तो ये रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है और इसका एरिया लगभग 20 एकड़ का है, यानी हेक्टर का है। इस तरीके से आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट यहाँ पे हिमाचल के अंदर, इसका नाम रेणुका वेटलैंड है। और यहाँ पे लार्जेस्ट यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा या सुंदरबन जो रिवर है वहाँ पे आपको सुंदरबन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये लार्जेस्ट रामसर साइट्स है। अगर इंडिया की पहली आर्टिफिशियल वेटलैंड साइट की बात करें तो वो है हारिके बैराज। हारिके बैराज यहाँ पे ये डैम है। आपको ये बताना है कि ये जो हारिके बैराज है ये कौन से रिवर पे है, ये आपको बताना है। ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल वेटलैंड है। अब यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक बात करें, टिल सितंबर 2022 अगर इंडिया की किसी स्टेट में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स है वो है तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट रामसर साइट्स इन इंडियन स्टेट वो है तमिलनाडु के अंदर, सबसे ज़्यादा आपको रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। बात करें इंडिया के अंदर जो वेटलैंड्स है वो किसके अंडर रेगुलेट करी जाती है, तो वो है एक यहाँ पे रूल 2017 जो वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 है, उसके तहत यहाँ पे इंडिया की वेटलैंड्स को रेगुलेट करा जाता है, उनकी मैनेजमेंट करी जाती है। बात करें हमारे अगस्त 2022 तक की बात करें, अभी इंडिया के अंदर 75 रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेगा। अब क्यों, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने सेलिब्रेट करा है, इसीलिए यहाँ पे ये टारगेट था कि उस दिन यहाँ पे हमारे पास 75 रामसर साइट्स हों। अब यहाँ पे हर एक उस रामसर साइट की बात करेंगे जो अभी यहाँ पे 2022 के अंदर ऐड हुई है। अगर बात करें, अगर एलॉन 2022 की बात करें, लगभग 28 नई रामसर साइट्स यहाँ पे डिक्लेयर करी गई हैं और अभी पूरी जो रामसर साइट्स इंडिया के अंदर है वो 75 है। बात करें यहाँ पे 2 फरवरी से, जब यहाँ पे इंटरनेशनल वेटलैंड डे था 2 फरवरी 2022 को, यहाँ पे दो न्यूली रामसर साइट्स को एडिट करा गया था। अब वो दो कौन कौन सी थी, एक तो थी खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गुजरात के अंदर थी और ये 48 थी, ये कौन सी रैंक पे थी, 48। उसके बाद है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर थी और इसको यहाँ पे कौन सा रैंक मिला था, 49th यहाँ पे रामसर साइट इंडिया की बनी थी। अब यहाँ पे सबसे पहले इनके अंदर कौन कौन से रिवर है उनकी बात कर दें। यहाँ पे अगर आप खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी, यानी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स और यहाँ पे बर्ड्स की स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी, इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया आपको ये देखने को मिलेगा। ये आपको खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गल्फ ऑफ कच्छ है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मार्शलैंड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मेराइन नेशनल पार्क जो आपको गुजरात में, वो यहाँ पे खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या करती है, ज्वाइन करती है। और यहाँ पे मैं आपके लिए ये पॉइंट्स भी मेंशन कर रहा हूँ ऊपर एक्स्ट्रा। बात करें एक साइड पे तो यहाँ पे मेराइन नेशनल पार्क, यहाँ पे दूसरी साइड से यहाँ पे एक रिवर का है जिसका नाम है धुनवव रिवर यहाँ पे इसके अंदर एम्प्टी होता है। यहाँ पे बात करें यहाँ पे ये लोक वाटर शेड मैनेजमेंट के अंदर भी आता है और यहाँ पे दो वाटर शेड मैनेजमेंट के जो रिवर्स है, एक तो है रुपरेल और दूसरा है कालंद्री रिवर, यहाँ पे इस खजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो अभी जब रामसर साइट डिक्लेयर हुई है वो उसको मान्यता मिली है। उसके बाद बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, ये कोस्टल वेटलैंड है, ये कोस्टल वेटलैंड नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है किसके लिए, जो वाटर बर्ड्स हैं उनके लिए, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वाटर बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बखीरा तल के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, जो माइग्रेटरी बर्ड है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये लार्जेस्ट फ्लड प्लेन है वेटलैंड ऑफ इंडिया की अगर बात करें। अब ये यूपी के अंदर है, यहाँ पे लार्जेस्ट फ्लड प्लेन वेटलैंड ऑफ अगर इंडिया की बात करें तो वो कौन सा है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अभी अभी रामसर साइट के अंदर आई है। यहाँ पे एक रिवर आपको इसके वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा जो है राप्ती रिवर बैंक,
यानी राप्ती रिवर जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है अम्मी रिवर, AMI अम्मी रिवर है ये, यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है राप्ती रिवर की, जो इस यहाँ पे बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आपको वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगी। अब इन रिवर्स को क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आगे बात करें, देखो यहाँ पे आपको खजेड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी गुजरात के अंदर, ये गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर, और मैंने आपको कहा था कि जो मेराइन नेशनल पार्क है वहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, मेराइन नेशनल पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर बात करें 26 जुलाई 2022 की बात करें, तो उस दिन यहाँ पे 5 नई रामसर साइट को ऐड करा गया। अब वो कौन कौन सी थी, करिकली बर्ड सेंचुरी की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर है, पलिकर करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें, इनके नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, माफ़ करना अगर मैंने इनके नाम को प्रनाउंस करने में कोई मिस्टेक कर दी या कर दूंगा तो आप डेफिनेटली इसको आप अपने हिसाब से ही प्रनाउंस करेंगे। पलिकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो ये भी तमिलनाडु के अंदर है, पिचावरम मैनग्रोव की बात करें तो ये भी तमिलनाडु के अंदर ही है, साख्या सागर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है, साख्या सागर यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर आता है। उसके बाद पाला वेटलैंड यहाँ पे मिजोरम के अंदर आता है। अब यहाँ पे एक एक की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। करिकली बर्ड सेंचुरी की बात करें, तमिलनाडु के अंदर बात करें तो ये यहाँ पे एक एक्वेटिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे पलिकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें, तमिलनाडु के अंदर है, ये वन ऑफ द फ्यू नेचुरल कोस्ट हैबिटेट है या एक्वेटिक हैबिटेट है ये, जो क्वालिफाई हुई है किसके लिए, वेटलैंड फॉर इंडिया या वेटलैंड ऑफ इंडिया के लिए क्वालिफाई हुई है। उसके बाद पिचावरम मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करें, मैनग्रोव वेटलैंड जो तमिलनाडु के अंदर है, इसके अंदर बात करें तो ये लास्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द कंट्री है, यानी वन ऑफ द लास्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री है, और इसको अभी 52nd रैंक मिला है किसके अंदर, यानी 52nd नंबर पर है रामसर साइट के अंदर। उसके बाद अगर बात करें साख्या सागर की बात करें, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, इसके बारे में एक दो चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी जाननी भी है और यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा। यहाँ पे ये किस रिवर पे किसे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक मनेर रिवर है, मनेर MANIER मनेर रिवर है जिसके ऊपर ये साख्या सागर क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे ये माधव नेशनल जो पार्क है ये मध्य प्रदेश के अंदर उसके आसपास ही ये लोकेट करता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साख्या सागर किस रिवर पे किस रिवर से क्रिएट होता है, मनेर रिवर, आपको ये बात याद रखनी है, और इसके आसपास कौन सी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलती है, सो माधव नेशनल पार्क आपको देखने को मिलती है। पाला वेटलैंड जो है वो मिजोरम के अंदर है, उसको यहाँ पे अपनी 54th रामसर साइट इंडिया के अंदर इसका टैग मिला गया। यहाँ पे आपको काफ़ी वाइड रेंजेस ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं इस यहाँ पे वेटलैंड साइट के अंदर, बर्ड्स आपको देखने को मिलेगा और रेप्टाइल्स के लिए भी काफ़ी ये फेमस है। बात करें यहाँ पे इसके जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये यहाँ पे द इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है, 3 हॉटस्पॉट हमारे इंडिया के अंदर है, जो इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसका ये एक पार्ट है। और यहाँ पे इसके मेजर कंपोनेंट की बात करें, जो पलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो यहाँ पे मिजोरम के अंदर आती है, तो वो आपको यहाँ पे इस पाला वेटलैंड के आसपास देखने को मिलेगी, इसका एक मेजर कंपोनेंट बनाती है। देखो यहाँ पे पलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पूछा जा सकता है कहाँ पे है, ये किस स्टेट के अंदर लोकेट करता है, तो आपको फिर नहीं कहना कि नहीं है। और यहाँ तक 26 जुलाई तक यहाँ पर हमारे पास कितनी थी, 54 थी। उसके बाद यहाँ पर 3 अगस्त 2022 को और 10 रामसर साइट्स ऐड करी गई यहाँ पे इंडिया के अंदर, इसमें 55th नंबर पे कौन थी, कुथनकुलम बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु के अंदर है, गल्फ ऑफ मनार मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व ये गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगी, वेबनूर वेटलैंड कम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद वेलोड बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, उदयामार्थनदमपुरम ये बर्ड सेंचुरी है ये आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो 61th पे है सतकोसिया गॉर्ज आपको उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, नंदा लेक आपको यहाँ पे गोवा के अंदर देखने को मिलेगी, रगनथित्तू बर्ड सेंचुरी आपको कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और सिरपुर वेटलैंड जो है वो आपको मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलती है। वन बाय वन इनकी क्या इंपॉर्टेंस इनकी बात करें यहाँ पे कुथनकुलम बर्ड सेंचुरी की बात करें जो तमिलनाडु के अंदर है, ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है, यानी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है, IBA इसको मैं शॉर्ट में बोलूँगा या लिखूँगा IBA है। यहाँ पे ये लार्जेस्ट रिजर्व है किसके लिए, फॉर द ब्रीडिंग ऑफ वाटर बर्ड्स। अगर बात करें ब्रीडिंग वाटर बर्ड्स की, यहाँ पे साउथ इंडिया का ये लार्जेस्ट रिजर्व है, तो आपको ये याद रखना है इतना। उसके बाद गल्फ ऑफ मनार मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, ये लक्षद्वीप सी जो है जो इंडियन ओशन के अंदर है
तो यहाँ पे उसका ये पार्ट है, ये तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलती है। ये कहाँ पे लोकेट करती है, जो साउथ ईस्टर्न टिप है इंडिया का और जो वेस्ट कोस्ट है श्रीलंका का, यानी साउथ वेस्टर्न ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया और वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका, जो उसके बीच में यहाँ पे ये गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलती है। ये फर्स्ट मैराइन है जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आती है साउथ साइड में, यानी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। इट इज़ द फर्स्ट मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का, ये पहला मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यहाँ पे रामसर साइट के अंदर कन्वेंशन के अंदर इसको ये मान्यता दी गई है। यहाँ पे इसके अंदर आपको कोरल रीफ का एरिया भी आपको देखने को मिलेगा, जो वन ऑफ द फोर मेजर एरिया है हमारे इंडिया के, उसका एक एरिया यहाँ पे इसके इस वेटलैंड के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद वेबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये इसकी एक खास बात याद रखें कि ये मैन मेड इनलैंड टैंक है। ये साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया को फॉर्म करता है और ये तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है, IBA एरिया है। ये पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल डेटा जोन का भी यहाँ पे आपको इसका पार्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे विलोद बर्ड सेंचुरी की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी बात है ये ह्यूमन मेड टैंक है, इतनी सी आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद है वेदन थंगल बर्ड सेंचुरी की बात करें, ये आपको तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगी, इसको आप याद रखें ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो नेशनल हाईवे 45 है वो पास होते जाता है, ये बात आपको याद रखनी। ये यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स का होम भी है, जैसे आप पिन टेल की बात करें, वेग टेल की बात करें, सैंड पाइपर की बात करें, ये इस प्रकार के जो दूसरे यहाँ पे बर्ड्स हैं उनकी ये यहाँ पे क्या है, होम है माइग्रेटरी बर्ड्स का। और यहाँ पे वेदन थंगल की बात करें, बर्ड सेंचुरी की बात करें, तमिल के अंदर इसका मतलब होता है हेमलेट ऑफ द हंटर, हेमलेट ऑफ द हंटर। वेदन थंगल का मतलब है हेमलेट ऑफ द हंटर। और ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गया, अगर वेदन थंगल बर्ड सेंचुरी की बात करें, इट इज़ द ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी इन द कंट्री। ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी अगर कंट्री की बात करनी है आपको तो ये है वेदन थंगल बर्ड सेंचुरी। उसके बाद यहाँ पे उद्यम मार्थन द पुरम बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये भी तमिलनाडु के अंदर है। ये तभी मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये फीड बाई मैतूर जो डैम है वो आपको देखने को मिलेगा थ्रू कोरियार कैनाल, यहाँ पे उसके थ्रू यहाँ पे मैतूर डैम पे ये उद्यम अर्थन द पुरम बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे सतकोशी गॉर्ज जो उड़ीसा के अंदर इसकी बात करें तो ये यहाँ पे महानदी रिवर से कार्व्ड करी गई है, इसको कार्व्ड करा कहाँ से गया है, महानदी रिवर से। और यहाँ पे जो सतकोशी टाइगर रिजर्व है उसके अंदर यहाँ पे सतकोशी गॉर्ज आता है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है सतकोशी टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, तो आपको याद रखना है ये उड़ीसा स्टेट के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे नंदा लेक की बात करें तो गोवा का, पहली बार मैंने ये नाम में सुना है वेटलैंड के अंदर, नंदा लेक की बात करें ये गोवा के अंदर है। ये फ्रेश वाटर मार्शिस की एक को कंप्रोमाइज़ करती है, नहीं कंप्राइजेस करती है, इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब ये इट लाइज एडजेसेंट टू द मेजर जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, जूरी रिवर, ZURR जोरी रिवर। आपको ये भी याद रखना है कि जोरी रिवर यहाँ पे अगर आप कभी पूछा जाए, इनलैंड कभी पूछा जाए एग्ज़ाम के अंदर, ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाए जोरी रिवर तो ये गोवा के अंदर है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स को काफ़ी सपोर्ट करता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है रंगन अथितु बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये कर्नाटका के अंदर है, ये कावेरी रिवर का एक पार्ट है, ये सबसे पहली बात याद रखनी है। और ये साउथ डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आता है, ये साउथ डेक्कन प्लेट्यू पे है और ये कावेरी रिवर का एक पार्ट है। बात करें यहाँ पे किसको ये सपोर्ट करते हैं, इट सपोर्ट्स हेल्थी पॉपुलेशन ऑफ मगर जो क्रोकोडाइल है उनको यहाँ पे, हम बैक्ट महासीर, ये महासीर का क्वेश्चन इस बार UPSC 2022 में प्री एग्जाम में पूछा गया था। और महासीर ये फिश की एक प्रजाति है। ऊटर यहाँ पे इस प्रकार के आपको काफ़ी ज़्यादा दूसरे भी पॉपुलेशन या दूसरी भी स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती है। बात करें साइट की, बात करें इस साइट को यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन साइट के नाम से भी यहाँ पे रंगनथितु बाइट्स बर्ड सेंचुरी को आपको देखने को मिलता है। ये लगभग दुनिया का जो 1% ग्लोबल पॉपुलेशन है पेंटिड स्टॉक की, वो आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलती है पेंटिड स्टॉक की पॉपुलेशन, और ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। उसके बाद है सिरपुर वेटलैंड जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, ये एक सबसे बड़ी बात इसके अंदर आपको याद रखना कि ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है। अब यहाँ पे जो इंदौर धार रोड आता है वहाँ पे आपको इंदौर के अंदर ये देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात आपको ये इतना सा, 3 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक के यानी 10 डेज के गैप में और 11 नई रामसर साइट्स को यहाँ पे ऐड करा गया। अब 11 न्यू रामसर साइट्स कौन कौन सी है उनके बारे में भी यहाँ से हम देखते हैं।
अगर आप 65th नंबर की बात करें यानी 65 नंबर पे जो अभी रामसर साइट डिक्लेयर हुई है वो है ताम्परा लेक। ये ताम्परा लेक जो है वो उड़ीसा के अंदर है, आपको ये मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद 66th नंबर पे बात करें हीराकुड रिजर्वायर, आपने सुना होगा हीराकुड डैम के बारे में। ये कौन सा डैम है? लार्जेस्ट अर्थन डैम है, आपको ये पता होना चाहिए, जो 1957 के अंदर ऑपरेट करा गया था। ये उड़ीसा के अंदर है और इसको भी अभी अभी वेटलैंड रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा मिला है। उसके बाद यहाँ पे अनसुपा लेक की बात करें, ये 67th रामसर साइट इंडिया की, ये भी उड़ीसा के अंदर है और ये भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है उड़ीसा की। उसके बाद यहाँ पे यशवंत सागर की बात करें तो ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, इसके बारे में हम एक एक पॉइंट्स जो है वो बाद में हम देखते हैं, पहले इनके नाम की बात करें। अगर 69th नंबर की बात करें चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी की बात करें, ये भी तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद अगर सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कम्प्लेक्स की बात करें तो ये किस कम्प्लेक्स के अंदर आता है उसकी भी बात करेंगे, किस पार्ट है, या यहाँ पे मानाकुडी कंजर्वेशन रिजर्व अगर आपने सुना होगा तो उसका ये एक पार्ट है। उसके बाद 71th नंबर की बात करें तो वड्यूर बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु के अंदर है ये आपको देखने को मिलेगा और इसको अभी रिसेंटली रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। उसके बाद कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दूसरी रामसर साइट्स भी मिलेगी, जैसे अभी आपने थाने क्रीक के बारे में सुना होगा। क्रीक की बात करूँ तो एक यहाँ पे पानी के ज़मीन के बीच में एक ऐसी नहर, एक ऐसी जो यहाँ पे दो साइड को क्या करती है, अलग करती है, वो क्रीक बनाती है। अब थाने क्रीक की बात करें तो मुंबई टू थाने आगे आपने सुना होगा 1853 के अंदर यहाँ पे ट्रेन, पहली ट्रेन को भारत में चलाया गया था। इससे आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये थाने क्रीक वेटलैंड जो रामसर साइट है ये महाराष्ट्र के अंदर आती है। यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है उल्हास रिवर, ये महाराष्ट्र के अंदर, इसकी बात करेंगे। उसके बाद हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, इसको अभी 74th रामसर साइट का टैग दिया गया है। उसके बाद लास्ट नंबर पे जो भी आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 रामसर साइट इंडिया के अंदर बनाई गई है उसका नाम है शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर है, यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब वन बाय वन इन सभी की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ताम्परा लेक की बात करें, अगर इस लेक की अगर आप बात करें तो ये उड़ीसा के अंदर है। ये इसकी दो तीन पॉइंट याद रखें कि ये फ्रेश वाटर लेक है, ये इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है किसके लिए, जो वल्नरेबल स्पीशीज़ होती है, और यहाँ पे एक स्पीशीज़ का मीन्स कुछ स्पीशीज़ हैं जो वल्नरेबल है, जैसे आप रिवर टर्न की बात करें, यहाँ पे साइप्रेनियस कैरपो की बात करें, तो ये कुछ वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं जिनका ये ताम्परा लेक होम है। उसके बाद हीराकुड रिजर्वायर की बात करें तो इसके अंदर आपको दो तीन बातें याद रखनी है। ये लार्जेस्ट अर्थन डैम है जो 1957 के अंदर ऑपरेट करा गया था। ये जो अर्थन डैम है ये लगभग 300 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, और अगर बात करें ये इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज़ आता है। लगभग यहाँ पे 4,36,000 हेक्टर यहाँ पे एरिया को क्या करता है, ये इरिगेट करता है, और इसीलिए इसको कल्चरल कमांड एरिया के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये यहाँ पे हीराकुड रिजर्वायर किस रिवर के ऊपर है, तो ये आपको याद रखना है कि ये महानदी रिवर के ऊपर है जो उड़ीसा के अंदर है। उसके बाद अनसुपा लेक जो भी उड़ीसा के अंदर है, तो ये एक दूसरा इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ की, उड़ीसा की, उड़ीसा स्टेट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो है अनसुपा लेक, और इसको अभी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और ये 67th नंबर पे आती है। उसके बाद यहाँ पे ये जो वेटलैंड, ये रामसर साइट या वेटलैंड जो बनी है, ये एक ऑक्सबो लेक है, ये यहाँ पे ऑक्सबो लेक है जो महानदी रिवर के यहाँ पे क्या ऊपर फॉर्म्ड हुई है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन महानदी रिवर, ये भी आपको याद रखना। हीराकुड या अनसुपा लेक की बात करें दोनों यहाँ पे महानदी पे हैं। यशवंत सागर की बात करें, ये यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है इंदौर का, इंदौर के अंदर आपको दो इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया देखने को मिलेंगे, इसमें से एक यहाँ पे आपको ये यशवंत सागर देखने को मिलेगा। अब ये जो यशवंत सागर का जो पानी है, ये वाटर जो है वो सप्लाई होता है जो सिटी ऑफ इंदौर है उसके लिए सप्लाई होता है, एक ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या जो वेरियस कमर्शियल पर्पस के लिए जो पानी यूज़ में आता है उसके लिए यहाँ पे ये इसका पानी यूज़ होता है। चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये यहाँ पे आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा, और लोकली इसको क्या कहते हैं, लोकली इसको चित्रनगुड़ी
कनमोली कहते हैं इसको, इसको यहाँ पे, इसको अभी अभी रामसर साइट का यहाँ पे टैग दिया गया है। ये एक आइडियल हैबिटेट है किसके लिए, जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स है उसके लिए ये यहाँ पे चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी एक क्या है, एक आइडियल हैबिटेट है। उसके बाद यहाँ पे 17th नंबर की बात करें तो सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसके अंदर आपको कुछ बातें यहाँ पे याद रखनी है। पहली बात जो आपको इसके अंदर याद रखनी है, इसके अंदर सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है तो वो है कि ये एक पार्ट है किसका, आपने अगर सुना होगा कंजर्वेशन रिजर्व जिसका नाम है सुचिंद्रम थेरूर मनकुडी कंजर्वेशन रिजर्व, ये तमिलनाडु के अंदर आता है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि ये इसका पार्ट है, सुचिंद्रम थेरूर मनकुडी कंजर्वेशन रिजर्व का ये पार्ट है, ये डिक्लेयर हुआ है, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर हुआ है। और यहाँ पे आपको कॉपर प्लेट के इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलेगी जो 9th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं, और ये वाली कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद 71th नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वडियूर बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, ये भी आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर आपको दो पॉइंट्स याद रखने, एक ये है कि ये लार्जेस्ट ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक है, उसके बाद ये शेल्टर किसके लिए, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते रहते हैं इसलिए इट इज़ नॉन फर्स्ट शेल्टर फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। उसके बाद कांजी रनकुलम बर्ड सेंचुरी की अगर बात करें तमिलनाडु के अंदर है, ये यहाँ पे नेस्टिंग साइट मानी जाती है काफ़ी माइग्रेटरी, जैसे हिरोन स्पीशीज़ की बात करें उसके लिए यहाँ पे माइग्रेटरी नेस्टिंग साइट मानी जाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर आपको बायोडाइवर्सिटी रिच मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप बात करें जो IUCN जो होता है वो रेड लिस्ट जो वल्नरेबल स्पीशीज़ है, जैसे आप एस्ट्रिना ओरिएंटा की बात करें जिसको टर्न रिवर के नाम से भी जाना जाता, तो इस प्रकार की जो स्पीशीज़ है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उसके बाद थाने क्रीक की बात करें महाराष्ट्र के अंदर है, यहाँ पे एक उल्लास रिवर है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर टू क्रीक, अगर बात करें इस क्रीक का, अगर सबसे बड़ा जो सोर्स है फ्रेश वाटर का वो उल्लास रिवर है। और अगर आपको पूछा जाए कि उल्लास रिवर किस स्टेट के अंदर आता है तो आपको याद रखना महाराष्ट्र के अंदर है। अब यहाँ पे अगर थाने क्रीक की बात करें इसको इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर करा गया है, और यहाँ पे इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी के नाम से भी यहाँ पे इसको जाना जाता है। उसके बाद 74th नंबर पे बात करें हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है, ये यहाँ पे रिवर झेलम जो बेसिन है उसका अंदर आता है, ये विद इन द रिवर झेलम बेसिन में आता है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है ये कौन से जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको याद रखना ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माइग्रेटरी स्पीशीज़ का अबोर्ड भी माना जाता है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। लास्ट नंबर की बात करें और यहीं पे हम अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे, शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये तो पता है सबको कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर आती है। ये यहाँ पर इसकी सबसे बात करें इस वेटलैंड की, लगभग ये सितंबर और मार्च के मंथ में क्या हो जाती है, कम्प्लीटली ड्राई अप हो जाती है, और यहाँ पे लगभग 4 लाख से ज़्यादा जो रेजिडेंट बर्ड है या माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, लगभग 21 स्पीशीज़ के यहाँ पे बर्ड आपको देखने को इस शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व में आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ये जो इम्पोर्टेंट अपडेटेड रामसर साइट्स थी इंडिया की, ये हमने फिनिश करी है। आई होप आप सभी के लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अगर आपको इस लेक्चर से बेनिफिट मिला है तो, अगर मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये लेक्चर अगर आपको लास्ट पे अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, आज मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर इस लेक्चर को अपने टेलीग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे या जहाँ पे जिस सोर्स से अगर आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें। आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, इस तरीके से हेल्प नहीं मांग रहे, लेकिन इससे आपका नॉलेज भी इनरिच होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।